Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक कस्बे में एक किसान घराने में पैदा हुआ। इसका बाप महकमा कस्टम में मुलाजिम था। हिटलर इसकी तीसरी बीवी के वतन से था। इसने हिटलर को कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन हिटलर अभी 14 बरस का हुआ था कि इसका बाप मर गया। हिटलर का सिलसिला तलीम उनकता हो गया। इस वजह से इसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर इसकी माँ इसको लेकर वियना चली गई। वो माहिर तामीरात की हैसियत से काम करना चाहता था, मगर इसको रंगसाजी और मुसवरी का काम करना पड़ा। वियना के क्याम के दौरान वो माली मुश्किलात से दो चार रहा। यहाँ इसमें यहूद दुश्मनी और नस्ल बर्तरी का एहसास पैदा हुआ। इस जमन में वो इस दौर के इंतहा पसंद कौम परस्तों से मुतासर हुआ था। 1212 में हिटलर म्यूनिक चला गया। पहली जंग अजीम के दौरान जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो ये ख्याल इसके जहन में रासक हो गया कि जर्मनी की शिकस्त की बड़ी वजह यहूदी और मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थे जिन्होंने जर्मनी को कमजोर कर दिया था। इस मुहिम के दौरान इसकी मुलाकात नाजी तहरीक के बानी गॉट फ्रेडरिक से हुई। यहीं से हिटलर की सियासी जिंदगी का आगाज होता है। 1920 में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ। इसने खिताबात के जोर से बहुत जल्दी एक मुमताज हैसियत हासिल कर ली। इस पार्टी की क्यादत हासिल करने के लिए इब्तदा में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही इसने तमाम अफराद को राह रात से हटा दिया। इसके बाद हिटलर खुद इस नाजी पार्टी का लीडर बन गया। इस वक्त ये जमात नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से मसूम थी। इसका प्रोग्राम हिटलर के नजरिया कौम परस्ती और मार्क्सिस्ट दुश्मनी पर मबनी था। नवंबर 1923 में इसने रोहम लिडेनरूफ और जनरल ग्वायरिंग की मावनत से सूले इक्तदार की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस पर गद्दारी का मुकदमा चला और इसे 5 साल कैद की सजा हो गई। 1930 की दहाई में हिटलर जर्मनी का अजीम लीडर बन गया और इसने आलमी जंगे जर्मनी की क्यादत करके अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। उसके बाद 10 अप्रैल 1932 को जर्मनी के 50 साल चांसलर पॉल वन हिंडनबर्ग ने आम इंतखाबात में हिटलर को शिकस्त दी और चांसलर बनने में कामयाबी हासिल की। 30 जनवरी 1933 को सदर हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क में खाना जंगी का खतरा था। 2 अगस्त 1934 को सदर हिंडनबर्ग के इंतकाल से हिटलर के राह में हायल होने वाली रुकावटें दूर हो गई। इसने 19 अगस्त को एक रेफरेंडम के जरिए चांसलर के साथ साथ सदर का अहदा भी संभाल लिया। साथ ही वो जर्मन अफवाज का सुप्रीम कमांडर भी बन गया। कुछ दिनों बाद हिटलर ने सदर का लकब खत्म करने का ऐलान कर दिया और वो खुद वो लीडर कहलाने लगा। लीडर बनने के बाद हिटलर ने मगरब के खिलाफ जदोजहद का आगाज किया। इतिहादी ममालिक के तय करदा माहदा वर्सल्स खत्म कर दिया और जर्मनी को एक अजीम फौजी ताकत बनाया। यकम सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके इस पे कब्जा कर लिया। यहीं से दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ। इब्तदा में ही जर्मनी ऑस्ट्रिया रूस और यूरोप के बेशतर ममालिक पर काबिज हो गया, लेकिन बाद हजार इतिहादियों ने मिलकर जर्मनी को शिकस्त दी। बिलआखिर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिटलर ने खुदकुशी की क्यों? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी महबूबा इवा ब्राउन को गोली मार दी, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।